Hey guys, welcome back with another food vlog. This is Vasis Malik and you are watching Awesome Soul Studio Brotherhood YouTube channel. So guys, आज इस vlog में मैं कुछ खास try करने वाला हूँ जो कि इससे पहले मैंने कभी try नहीं किया, मगर हाँ मैंने बहुत search किया है इस food item के बारे में. So guys, ये video देखने के बाद अगर आप भी इसे try करना चाहो तो गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके प्री ऑर्डर करना होगा, क्योंकि ये फूड आइटम जो है अभी रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल नहीं है, और अगर बहुत जल्द हो सकता है पूजा के पहले ये आपको रेस्टोरेंट में अवेलेबल हो जाएगा मेन मेनू के तरफ से तौर पे, और आपको ये ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो थ्रू जोमेटो एंड स्विगी. सो गाइज अभी हम लोग जो जा रहे हैं पुरवासा इंटरनेशनल, और जो फूड आइटम है गाइज मैं अब देर आपको नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ. ये एक जापानीज ब्रीड का बर्ड है, एक इसका नाम है क्विल बर्ड. सो गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इसका टेस्ट कैसा होता है और ये दिखने में कैसा होता है. अभी मैं पुरवासा रेस्टोरेंट के अंदर हूँ जैसे कि आप देख सकते हो. तो गाइज अभी हम लोग ऑर्डर करेंगे एक खास आइटम जो इससे पहले आप लोगों ने शायद कभी खाया नहीं होगा, और मैंने इससे पहले बहुत ट्राई किया इसे खोजने का ढूंढने का. सो फाइनली मुझे आसनसोल में गाइज यहाँ पर मिला है पुरवासा इंटरनेशनल में. सो ये गाइज है क्विल बर्ड, एक बर्ड के बारे में. क्विल बर्ड आपको ये वो क्विल नहीं है जो कौवे के घोंसले पे अंडा देती है, ये क्विल एक जापानीज ब्रीड है जिसे खाया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक चिकन जैसा दिखता है और छोटा सा बर्ड रहता है. सो गाइज मुझे लगता है इसका वाइड एंगल आप लोग थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ेगा इस वाइड एंगल में, क्योंकि मेरे को ऊपर में. सो गाइज मैं इससे शूट करता हूँ, शायद इससे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा. सो गाइज ये आप देख रहे हो, ये है क्विल का मीट जो इसे अभी अच्छी तरीके से मैरिनेट की जा रही है, उसके बाद इसे डीप फ्राई किया जाएगा और तंदूर में किया जाएगा, तो दोनों का मसाला जो है अलग अलग है. सो फिलहाल अभी हम पुरवासा इंटरनेशनल के होटल के किचन में हैं, और ये जो है अभी तंदूर रेडी हो रहा है और फ्राई भी जो है गाइस लगभग जो है रेडी हो चुका है. सो गाइस जस्ट की गाइस मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आइटम है क्विल बर्ड का आइटम, ये लिमिटेड लोगों के लिए, क्योंकि मैं स्पेशल कस्टमर हूँ तो मेरे लिए अवेलेबल है. अभी फिलहाल के लिए रेस्टोरेंट में चालू नहीं हुआ है, मगर मुझे जहाँ तक पता है ये दुर्गा पूजा से पहले अवेलेबल हो जाए, फिर शायद आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से ऑर्डर कर पाओगे. ऑफलाइन मतलब आप रेस्टोरेंट पे आके भी ट्राई कर सकते हो और आप जोमेटो स्विगी से भी ऑर्डर कर सकते हो. ये जो क्विल बर्ड है, काफ़ी दिनों से मैं इसे खाने की कोशिश कर रहा था, ढूंढ रहा था कि कहाँ ये अवेलेबल होगा, कहाँ मिलेगा. सो क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, मगर इसकी जो फार्मिंग है वेस्ट बंगाल में चालू है, और बहुत जल्द हो सकता है आपके लोकल एरिया में बहुत कहीं मिलने लगेगी. तो फिलहाल मुझे पता चला कि इस होटल में ये आइटम जो अवेलेबल है, और इसके साथ मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा है, इसीलिए गाइज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है. तो ये जो क्विल बर्ड है ये पूरा का पूरा गाइज मैंने ऑर्डर किया, अभी फ्राइड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके बैक कैमरे से, आपको अच्छा दिखेगा. और ये लगभग चिकन जैसा ही है दिखने में, और मगर इसके जो खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो गाइज मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में आपको बताऊँगा. ये जो है ये तंदूरी आइटम है, और ये वाला जो है पूरा डीप ऑयल फ्राई है, ये इसमें दो पीस आता है और इसमें भी एक प्लेट में दो पीस आता है. सो फिलहाल गाइस मैं इसके कुछ बेनिफिट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और इसे टेस्ट करके बताऊंगा गाइस कि ये कितना अच्छा है, और चिकन क्या इससे चिकन बेटर है या ये चिकन से बेटर है. सो गाइस सबसे पहले तो मैं इस तंदूर वाले आइटम को ट्राई करूँगा, जो कि पूरा का पूरा एक क्विल बर्ड का तंदूर है, तंदूर क्विल बर्ड.
इसका जो स्मेल है काफी गाइस चिकन के, अगर आपको कोई इसे नहीं बताएगा कि ये क्वेल बर्ड है तो आपको बिल्कुल ही चिकन जैसा ही लगेगा देखने में। अब खाने के बाद में आपको बताता हूँ कि ये खाने में कैसा है। खाने में गाइस बहुत ही टेस्टी है। अगर किसी ने इसे पहली बार ट्राई कर रहा है तो उसे बिल्कुल ही चिकन जैसा फील आएगा, मगर चिकन से इसका टेस्ट काफी अच्छा है। इन जो बात है गाइस जो आपको चिकन में नहीं मिलेगा इसमें मिलेगा। कुछ आपको हेल्दी बेनिफिट्स है इस कोयल बर्ड के मीट में जो आपको चिकन में, खास करके वो जो पोल्ट्री चिकन जो हर आजकल हर रेस्टोरेंट में वो पोल्ट्री चिकन ही बिकता है वो आपको नहीं मिलेगा। वो ये है गाइस कि ये जो है बिल्कुल ही फैट फ्री है, इसे खाने से आपके बॉडी में फैट नहीं होगा। दूसरी बात, आपके ये ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक बात है गाइस, इसके आपके ये हार्ट के लिए भी काफी अच्छा है। और एक बात है गाइस कि आपकी जो बॉडी के टिश्यू है, जितना पता है इसके बारे में गाइस मैं आपको बता रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके जो इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी स्ट्रांग रखता है। और एक बात है गाइस, इसमें जो कैल्शियम रहता है जिसके वजह से आपके जो हड्डियों को भी ये ताकत देता है और आपकी हड्डियाँ भी मजबूत रहती है इस छोटे से क्वेल बर्ड के मीट से, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी मैं इसे तंदूर को खाता हूँ, फिर गाइस मैं इस फ्राइड वाले को भी ट्राई करूंगा। फिलहाल जो ये तंदूरी क्वेल बर्ड है फार बेटर देन चिकन, और क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया इसे पहले भी, ये अभी अवेलेबल नहीं है, स्पेशल कस्टमर के लिए ही अवेलेबल है। मगर हाँ, पूजा से पहले अवेलेबल हो जाएगा। मगर गाइस अगर आपको खाना है तो आप रेस्टोरेंट पे आके प्री ऑर्डर दे सकते हो, बात कर सकते हो, शायद आपके लिए ये अवेलेबल करवा दें। ये दो मैंने, हम लोगों ने स्टार्टर ऑर्डर किया मेरे साथ मेरे दोस्त सुजीत, दो तंदूरी आइटम है कोयल बर्ड का और दो फ्राइड तंदूरी है, और बिरयानी ऑर्डर किया चिकन का, सॉरी कोयल करी के साथ, कोयल का बिरयानी भी गाइस हम लोगों ने ऑर्डर किया, वो अभी बन रहा है। और गाइस हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी गार्निशिंग देखने मिलती है, यहाँ पर कुछ सलाद वगैरह है और प्याज है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये मिंट की चटनी है जिसे डुबा के हम ये तंदूरी कोयल बर्ड का मीट खा सकते हैं। बर्ड का मीट आपको पूरे आसनसोल में शायद कहीं नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट मैं खा रहा हूँ आसनसोल में गाइस। कोयल बर्ड के बारे में अगर आपको और भी जानना है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया, कोयल बर्ड एक जापानीज ब्रीड है। जब इसके मीट का प्रचलन, मतलब खाने का प्रचलन जैसे ही बढ़ा, और धीरे धीरे आजकल वेस्ट बंगाल में भी इसका फार्म है, वेस्ट बंगाल में भी कहीं इसका फार्मिंग होता है, जिसके वजह से शायद यहाँ पर अवेलेबल है, नहीं तो कोई जापान से तो ये ब्रीड लेके नहीं आएगा यहाँ पर बनाने के लिए। सो गाइस अब तक तो ये था तंदूरी वाला जो आइटम था कोयल का वो। इसमें और एक बात है गाइस, हड्डियाँ बिल्कुल ना के बराबर है, जो कि हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। अब गाइज मैं फ्राई, ये डीप फ्राइयर, इसे मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि इसका टेस्ट जो है कैसा बना। ये इसका लेग पीस है, देख सकते हो गाइज, इसे मैं इस मिंट की चटनी में इसे डुबाता हूँ। अब मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ। दोनों के टेस्ट में डिफरेंस है थोड़ा सा, मुझे तंदूरी वाला आइटम डीप फ्राई से ज़्यादा अच्छा लगा। फ्राइड आइटम भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसके सलाद के साथ खाओ तो अलग सा टेस्ट है, मगर मुझे जो है तंदूरी का इससे ज़्यादा पसंद आया। अभी देखते हैं गाइस कि कोयल बर्ड का जो करी आ रहा है बिरयानी के साथ वो कैसा आता है, क्योंकि बिरयानी के आइटम पे एक ही कोयल बर्ड रहता है, मतलब एक कोयल, एक बिरयानी, एक प्लेट बिरयानी में एक कोयल रहता है और करी के साथ। तो गाइस देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। फिलहाल जो गाइस करी भी बहुत मस्त था, सॉरी फिलहाल गाइस ये जो तंदूरी का आइटम था ये भी बहुत मस्त था और फ्राइड का भी, मगर दोनों का टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। ऐसा आप मत सोचना कि आप दोनों का टेस्ट आपको सेम सेम मिलेगा। आप अगर तंदूर खाओगे तो आप फ्राइड वाला मिस कर दोगे, अगर आप फ्राइड खाओगे तो आप तंदूर का जो टेस्ट है वो मिस कर जाओगे। ये रहा गाइस और बिरयानी, और ये कोयल बर्ड का करी। मैं आपको एक एक करके सब दिखाता हूँ गाइस। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ तंदूरी रोटी ऑर्डर किया कि मुझे लगा ऐसा करी है तो करी के साथ तंदूरी रोटी सही रहेगा। सो गाइस देख सकते हो ये है बिरयानी, कोयल बर्ड का बिरयानी, एक प्लेट बिरयानी में एक पूरा का पूरा कोयल है अंडे के साथ। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, और ये फ्राई मैंने खत्म नहीं कर पाया अभी तक। और ये गाइस कोयल बर्ड का करी है, इसमें भी एक पीस है क्या पूरा कोयल कसा है, ये कसे में भी एक पीस है पूरा। यहाँ पर हम लोगों ने
अभी स्टार्टर ही खत्म नहीं कर पाया और अभी मेन कोर्स आ गया है। ये गाइस आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा कोयल बर्ड इसे मैं रखता हूँ ऐसे साइड में, और थोड़ा सा मैं बिरयानी गाइस यहाँ से लेता हूँ। यहाँ पर एक अंडा दिया गया है गाइस, और यहाँ पर गाइस ये आलू भी है। इसका जो गाइस स्मेल है, बिरयानी का जो अरोमा होता है, एक काफी स्ट्रॉन्ग अरोमा है, मेरे नाक के अंदर तक जा रहा है और दिमाग को हिला रहा है और खाने के लिए मजबूर कर रहा है। सो फिलहाल मैं इसे टेस्ट करता हूँ। ये है कोयल बर्ड का मीट। अगर आप आंख बंद करके गाइस कोयल बर्ड का जो बिरयानी खाओगे तो आपको लगभग लगभग चिकन बिरयानी की याद दिलाएगी, मगर गाइस ये चिकन है नहीं, आप देख सकते हो। इसका टेस्ट जो है गाइस चिकन से काफी अच्छा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके काफी सारे बेनिफिट हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। मैंने ये बिरयानी टेस्ट कर लिया, अभी मैं गाइस इसे मैं रखता हूँ साइड में, दोस्त लोग को देता हूँ उसे खत्म करने के लिए, और इस हिस्से को मैं अभी फिलहाल खाता हूँ। और यहाँ एक मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया तंदूरी रोटी, क्योंकि यहाँ पर कोयल का करी भी है। थैंक यू। और इतने सारे खाने हजम करने के लिए मुझे कोल्ड ड्रिंक्स का ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए गाइस मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिया। सो गाइस पहले कोल्ड ड्रिंक्स खाता हूँ, थोड़ा पेट हल्का करता हूँ, फिर गाइस तंदूरी रोटी को कोयल करी के साथ, सॉरी कोयल करी नहीं है, कोयल कसा है। तो गाइज मैं इस चम्मच को साइड में रखता हूँ, तंदूरी रोटी के साथ अब मैं ट्राई करता हूँ गाइज कोयल कसा को ट्राई करता हूँ। कोयल कसा को मैं लेके आता हूँ गाइज यहाँ पर। ओ क्या स्पाइसी स्मेल है गाइज। ओ ये यहाँ पर है गाइज धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीफ, कुछ सलाड है, मुझे इस सलाड की जरूरत पड़ेगी। सलाड हम लोगों ने साइड में रखा हुआ है ना। और ये गाइस तंदूरी रोटी, अब गाइस मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ कि इसका टेस्ट जो है कोयल करी। आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये चिकन नहीं है गाइस, ये एक कोयल बर्ड है। हम लोगों ने दो तंदूरी कोयल, दो डीप फ्राइड कोयल, एक कोयल के साथ बिरयानी और एक कोयल कस्सा ऑर्डर किया। सो गाइस अब ये इसे ट्राई कर लेता हूँ फटाफट, अब मैं इसे नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे गाइस इतने सारे कोयल का आइटम हम लोगों ने ऑर्डर किया, मुझे सबसे बेस्ट लगा कोयल तंदूरी, उसके बाद कोयल का ये कसा, और उसके बाद गाइस मुझे कोयल फ्राई भी बहुत अच्छा लगा एज अ स्टार्टर। गाइस यहाँ पर मेरा जो खाना पूरी कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं फिलहाल सलाड खा रहा हूँ। और काफी बार गाइस आप लोग बोलते हो कि कितना बिल हुआ, बिल नहीं दिखाता, कभी कभी एक्चुअली मैं खाने में भूल जाता हूँ। सारा खाना हम लोग, ऐसा नहीं कि मैं अकेला खा रहा था, हम लोग तीन दोस्त है, दो दोस्त मेरे कैमरे के उस पार है। अभी फिलहाल गाइस मैं बिल ऑर्डर करता हूँ, देखता हूँ कि कितना का बिल हुआ और किसका प्राइस कितना था गाइस, ये भी गाइस मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर गाइस हम लोग का जो बिल है आ चुका है। अब काफ़ी दिनों गाइस हर बार मैं कभी कभी बिल दिखाना भूल जाता हूँ, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट मैं आपको बिल दिखाऊं, क्योंकि इससे आपको भी एक आइडिया हो जाता है। सो गाइस ये रहा बिल। अरे यार आ जाओ,
कुरवासा इंटरनेशनल होटल का। सो कोयल तंदूरी यहाँ पर 260 रुपीज़ है। एक प्लेट तंदूरी में दो कोयल बर्ड आपको मिलता है और एक कोयल फ्राई था 230 का है। कोयल बिरयानी जो है 205 का है। कोयल मसाला 199। इसमें भी एक था मगर गाइज, ये कोयल मसाला में एक कोयल था, कोयल बिरयानी में एक कोयल, मगर ये फ्राई और तंदूरी में दो कोयल थे। सो यहाँ पर तंदूरी रोटी मैंने ऑर्डर किया था जो कि 17 रुपीज़ है, और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स हम लोगों ने दो कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किए थे। सो गाइज यहाँ पर बिल हो गया है 9078, GST और SGST मिला के 49 रुपीज़। सो यहाँ पर टोटल हो जाता है गाइज 1027। सो ये रहा गाइज, वी एक्सेप्ट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। सो आप यहाँ पर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो आप चाहते हो यहाँ पर इसके थ्रू से पे कर सकते हो। सो गाइज ये रहा पूरा बिल। आई होप कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि खाने का जो प्राइस है वो कैसा था। तो गाइस सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में गाइस काफ़ी मेहनत लगा है। और गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह का वीडियोस गाइस अब मुझे आपको अगर और भी देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस आप चाहते हो कि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो तो आपको बगल में एक बेल बटन मिल रहा होगा, दिख रहा होगा, उसे आप दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको मिल जाए। सो गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो गाइज ये आइटम जो था कोयल बर्ड, आपको अगर ट्राई करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर्स दे दिए हैं, रेस्टोरेंट का नंबर है, आप चाहो तो उसे कॉल करके प्री ऑर्डर कर सकते हो, वरना ये आइटम जो अभी अवेलेबल नहीं है पूजा तक अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन।